राजस्थान का है नियाजिया में उम्मीदों का जश्न, जश्न चिरांगा पहुंची हजारों की भीड़। गमों के अंधेरों को दूर करने के लिए किया जाता है जश्न चिरागा। खानकाह नियाजिया में जश्न चिराग के कार्यक्रम में अमन कमेटी के पदाधिकारी कदीर अहमद और नदीम इकबाल ने खानकाह नियाजिया के प्रबंधक शब्बू मियाँ का स्वागत किया। बरेली में लगभग 300 वर्ष पूर्व हजरत गोसुलाजम रजी अल्लाहनहो ने सपने में हजरत शाह नियाज रजी अल्लाहनहो को बिशारत दी कि 17 रबीउ सानी हजरत गोस पाक के विसाल के दिन को गोस पाक के नाम का चिरागा किया जाए। इस दिन जो गोस पाक के नाम का मन्नत का चिराग उठाएगा उसकी मन्नत अल्लाह ता इंशाल्लाह गोस पाक के सदके में हजरत शाह नियाज के वसीले से एक साल के अंदर पूरी कर देगा। आज जश्न चिरागा है, ये दो दिन का प्रोग्राम होता है। पहली और दूसरी नवंबर को इस साल चांद के हिसाब से होता है। अंग्रेजी एक दो पढ़ी हुई है दफ़ा। आज के दिन 2 नवंबर को बड़ा चिरागा है और उसमें दुनिया के कोने कोने से तमाम मजहबों धर्मों के लोग आते हैं, बड़े अकीदत से इसमें शिरकत करते हैं। उनका मानना ये है जो भी इस खानकाह में आग और चिराग रोशन करा उसकी जितनी दिली मुरादें हैं, जायज़ मुरादें हैं, वो एक साल में पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए लोगों का जुड़ाव लाजमी है। यहाँ से जो भी एक दफ़ा आ गया वो यहीं का हो गया, खानकाह नियाजिया का। कि यहाँ पर जो भी होता है अमली शक्ल में पेश किया जाता है, गंगा जमनी तहजीब और ये खानकाह नियाजिया की देन है। जितनी भी सूफिज्म में खूबसूरती है, खूबियाँ हैं, वो सब यहाँ पर अमली शक्ल में पेश किए जाते हैं। इसलिए दिल पे असर होता है हर आदमी को, और ये इस मैसेज को इसको दूसरे दुनिया पे कोने कोने से खुशहाली, आपसी भाईचारा, मोहब्बत और ये होता है जो भी चीज़ें होती हैं इसको अमली शक्ल में देखता है और उसको दुनिया में कोने कोने से इसकी खुशबू और रोशनी को फैलाता है। और इसीलिए ये चिरागा जो होता है रोशनी फैलाने के लिए, दुनिया से अंधेरा दूर हो जाए, दुनिया में खुशहाली रहे, नफरत का माहौल ख़त्म हो जाए। इसीलिए 300 साल पाकिस्तान रस्म है, इसमें हर मज़हब के मिल्लत के लोग आते हैं, शिरकत करते हैं और फैज़ पाते हैं। हम चाहते हैं यही सिलसिला जारी रहे। ये बरेली की शान है और खानकाह नियाजिया की पहचान है। और सूफीज़म में जो भी खूबसूरती होती है यहाँ पर लोग आते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, जायज़ मुरादें होते हैं उनकी पूरी होते हैं और अपने अपने ख्याल का इजहार करते हैं तो फैज़ पाते हैं। यही इंसानियत है, यही मोहब्बत है, यही सूफिज्म है। हम चाहते हैं सभी मजहबों के बाद ये तो हमेशा से खानकाह नियाजिया खूबी है, ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ना सियासत है, ना चंदा है, ना कुछ रसीद है या कुछ होती है। जो दुनियावी मामलात हैं जिससे आदमी बचता है वो चीज़ कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर रहना, खाना पीना सब फ्री है। जिस मजहब का आदमी होता है, जो भी होता है, बीमार आजार सबका ख्याल लगाता है, कोई मौसम हो तो इतनी खूबियाँ कहीं पर नहीं जाती हैं। इस वक्त जर्मनी से, टर्की से, हांगकांग से, इटली से लोग आए हुए हैं और हिंदुस्तान के गोशे गोशे से लोग आते हैं यहाँ पर, और इस दफ़ा भी आए हुए हैं। मैं नदीम इकबाल, अमन कमेटी प्रदेश सचिव, और आज खानकाह नियाजिया में जो जश्न चिरागा 2 दिन का हर साल प्रोग्राम चलता है और रूहानी सुकून जो खानकाह नियाजिया में आकर मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं है। गंगा जमनी तहजीब के लिए जाने जाने वाली खानकाह नियाजिया, आज मैं नदीम इकबाल
खानकाह नियाजिया शब्बू मियाँ का सम्मान करके मैं अपने आप को फ़ख्र हासिल कर रहा हूँ कि मुझ जैसी नाचीज को सम्मान करने का और सम्मान करने का मौका मिला। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मगर मैं आज इस बात को लेकर फ़ख्र हासिल कर रहा हूँ और यहाँ पे हर साल जश्न चिरागा होकर लोगों की मुरादें, जायज़ मुरादें आती भी हैं और लोग यहाँ पे गंगा जंगनी तहजीब के लिए खानकाह नियाजिया जानी जाती है और यही एकता की, गंगा जमनी तहजीब की यही पहचान है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर साल अमन कमेटी कदीर भाई की अध्यक्षता में यहाँ खानकाह नियाजिया शब्बू मियाँ का सम्मान करती है और करती रहेगी, चूँकि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अमन कमेटी प्रयासरत है। ये एक नवंबर से दो नवंबर तक जश्न चिरागा दो दिवसीय यहाँ चल रहा है खानकाह नियाजी पे शब्बू मियाँ साहब की सरपरस्ती में, और यहाँ हर मजहब के व्यक्ति आते हैं, क्यों यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी होती है। और मैं अमन कमेटी का प्रदेश सचिव रामनिवास शर्मा शब्बू मियाँ साहब की सरपरस्ती में यहाँ लगभग 20-22 साल से आता हूँ और यहाँ बहुत तहजीब और उसके साथ सभी का अदब किया जाता है। मैं डॉक्टर कदीर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष अमन कमेटी। हम और शब्बू मियाँ साहब साथ साथ पढ़ते थे, बचपन से यहाँ खानकाह नियाजिया पर आते हैं। एक हिंदू मुस्लिम एकता, एक गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जश्न चिरागा जो है ये बहुत साल से मनाया जा रहा है, हर एक आदमी की मुराद पूरी होती है, वो यहाँ चिराग रोशन करने आते हैं। मैं तमाम बरेली वासियों से गुजारिश करूंगा कि मिलजुल कर रहें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, शब्बू मियाँ साहब हमारे सरपरस्त हैं, इनका सहयोग करें।